बस हिकायत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्तान बहरोबर, न जाने क्या ख्याल आया के बोली बिनते पैगंबर, ऐ महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है, वो नेक औरत यहीं के एक लकड़हारे की बीवी है, यहीं नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उससे मिल के खुश होगी किसी दिन उससे मिलाओ। ये सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा जहरा ने दी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीबी, किसे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीबी। कहा जहरा ने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीबी, तुम्हारा आना सर आंखों पे लेकिन है नबी जादी, बिना शौहर की मर्जी मैं इजाजत दे नहीं सकती, मुझे है शरा का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे भी आरजू है मैं मिलूं बिनते पैगंबर से, कल आना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा जहरा ने कुछ सोचा, चली मिलने उस औरत से हसन को साथ में रखा, सदा दी जाके घर पर बीबी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लखते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की औरत सुन के ये बोली नबीजादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की, हसन को कैसे घर में लूँ ये मुझसे हो नहीं सकता, ये शौहर को मैं धोखा दूँ ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर, गई मिलने मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर, गए जब चौथे दिन मिलने नबीजादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से, कहा अब तो इजाजत मिल चुकी है मुझको शौहर से, के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, के आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा, पनाए इसके शौहर इसके हक औरत को यूं पाया, हुआ मालूम ये भी एक पांव पर खड़े होकर, पुराने पाक सर पर रख के करती है दुआ अक्सर, रहे महफूज यारब मेरा शौहर हर मुसीबत से,
रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाजे वफा उसने को औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा जहरा। जो कुछ गुजरा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर, सुना सब वाकया तो बोला यूं अल्लाह का दिलबर। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ के जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने बेटी उम्र पर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की।